नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं मनीष गौड़। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। जी हां, कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में विवाह के पश्चात भी अनैतिक संबंध बनने जारी रहते हैं। आप स्वयं भी कुंडली उठाकर देख सकते हैं कि कहीं आपकी लाइफ पार्टनर की कुंडली में ऐसा योग नहीं बन रहा। यदि बन भी रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक्स्ट्रा मेटल के बनने वाले योगों के साथ साथ उसके सटीक निवारण यानी इसे उपाय भी बताऊंगा, जिससे यदि आपका जीवन साथी यदि भटक गया है तो वो फिर से आपके पास चला आएगा या चली आएगी। सभी धर्मों में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में तो इसे जन्म जन्मांतर का बंधन कहा जाता है। ये दो शरीरों का ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। ईश्वर ने नर और नारी को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पूरक बनाया। आमतौर पर शादी एक साइकिल की तरह होती है जिसके पति पत्नी रूपी दो पहिए होते हैं। यदि साइकिल का कोई एक पहिया कमजोर हो जाए तो साइकिल को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह शादी रूपी साइकिल को चलाने के लिए पति पत्नी में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के इस जीवन के अंदर जो बिजी लाइफ है, पति पत्नी के बीच ये सामंजस्य बनाना मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे समय में व्यक्ति शादी शुदा होने के पश्चात भी अकेलापन महसूस करते हैं और अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं जो उन्हें इमोशनल सपोर्ट कर सके। इसी तरह के रिश्ते को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दिया जाता है। आप भी कुंडली देखकर जान सकते हैं कि कहीं आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में ऐसा योग नहीं बन रहा है, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर की कुंडली में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन रहा है, तो उसे आप जान सकते हैं। और इसके पश्चात जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय द्वारा आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र पुरुष की कुंडली में और देवगुरु बृहस्पति स्त्री की कुंडली में दंपति जीवन के कार्य ग्रह माने गए हैं। इसके अलावा कुंडली का जो प्रथम भाव होता है जिसे बोलते हैं लगन, वो हमारा शरीर यानी हम स्वयं होते हैं। पंचम भाव जहाँ से प्रेम संबंधों को देखा जाता है। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का भाव होता है। अष्टम भाव हमारी काम वासना को। द्वादश भाव हमारे अनलीगल रिलेशनशिप ग्रहों को स्थिति को बताता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इन ग्रहों में यदि कोई पापी ग्रह स्थित है तो आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति अनलीगल रिलेशनशिप में तो नहीं है। विवाह के बाद वैसे भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए ग्रहों की स्थिति में देखा जाए तो सबसे पहले व्यक्ति के मन और बुद्धि को देखना चाहिए, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा जो है मन को नियंत्रण करता है, बुध है जो बुद्धि को नियंत्रण करता है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति को देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की सोच कैसी है, व्यक्ति अपने किस प्रकार के डिसीजन लेके इन क्षेत्रों में बढ़ सकता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को भोग विलास का कार्य ग्रह माना गया है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शुक्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शुक्र ग्रह के पश्चात बात करें तो राहु ग्रह और मंगल का भी अनैतिक संबंध बनाने में विशेष योगदान रहता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव जो कि प्रेम भाव का संबंध है, यदि यहाँ पर शुक्र शनि या मंगल की युति हो रही हो तो व्यक्ति के जीवन में अवैध संबंध स्थापित होते हैं। शनि मंगल और शुक्र का काम वासना से तो घनिष्ठ संबंध है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि मंगल की युति सप्तम भाव में जो कि इसका वैवाहिक जीवन का भाव है वहाँ पे हो रही हो, ऊपर से राहु की मंगल पर दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति कामुक बन जाता है और अनैतिक संबंध स्थापित जीवन में करता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली लगन में शनि स्थित है तो व्यक्ति अनैतिक संबंध बनाने की ओर भटकता है। और पंचम भाव जो कि प्रेम संबंध लव अफेयर का भाव है, यहाँ पर अगर शनि स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से बड़ी स्त्रियों के साथ अवैध संबंध स्थापित करते हैं। और सप्तम भाव में यदि शनि स्थित है वहाँ पर चंद्रमा भी स्थित है और मंगल की दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर पड़ रही है, तो भी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनलीगल अफेयर स्थापित होते हैं। और यदि कुंडली में किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी नीच का होकर स्थित हो और नीच के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, नीच का चंद्रमा जहाँ पे 8 अंक लिखा होता है, यानी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि 8 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर चंद्रमा स्थित है और शनि उस पर दृष्टि गड़ाए बैठा है, और जो 8वां भाव है अष्टम भाव है वहाँ पर मंगल शुक्र दोनों एक साथ स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने नौकर या नौकरानी से भी अवैध संबंध बनाने से नहीं चूकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव जहाँ दंपति जीवन का भाव होता है वहाँ सूर्य स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्षतावादी ग्रह है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति परेशान होकर अवैध संबंध जीवन में स्थापित करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 7वां भाव में मंगल और शुक्र दोनों की युति हो रही हो और इस पर राहु की दृष्टि भी हो, तो ऐसे व्यक्ति शादी के बाद भी अपने विवाहित संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जारी रखता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश यानी कि पत्नी पत्नी का जो भाव है वो पंचम भाव प्रेम भाव में जाकर स्थित हो जाए और सप्तम भाव में शुक्र ग्रह स्थित हो, तो ऐसे व्यक्तियों का अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनने कायम रहते हैं।
यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में शनि, शुक्र, मंगल और चंद्रमा ये चारों ग्रह एक साथ स्थित हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी की स्वीकृति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जारी रखता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल और शुक्र की युति हो रही हो और लग्न में राहु स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति विवाह के पश्चात अनलीगल रिलेशनशिप में बंधा रहता है। और जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो, बारहवां घर वहाँ पे मंगल स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कामुक स्थिति में बनकर अन्य व्यक्तियों के साथ अनलीगल स्थिति में बन जाता है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ शनि की युति हो रही हो और पंचम भाव में मंगल और शुक्र दोनों एक साथ स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के साथी के साथ प्रेम नहीं रखता बल्कि अन्य स्त्रियों के साथ उसका मन ज़्यादा भटकता हो और उन्हीं के साथ रिलेशनशिप में बंधा रहता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंतर्गत जो सातवां भाव होता है वहाँ पर राहु स्थित हो और आठवें भाव में शुक्र और द्वादश भाव यानी बारहवें भाव में मंगल स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी को धोखा देने वाला होता है और अनेक स्त्री पुरुष के साथ अपना संबंध कायम रखता है। जन्म कुंडली में शुक्र यदि कहीं भी उच्च का होकर स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम प्रसंग यानी कि लव अफेयर्स ज़्यादा चलते रहेंगे। इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि जन्मपति का मैं अष्टम भाव में शुक्र यदि नीच राशि में स्थित हो जाए यानी कि अष्टम भाव जो है वहाँ पर यदि 6 अंक लिखा हुआ है और शुक्र ग्रह स्थित है और पंचम भाव में चंद्रमा जहाँ पे 8 अंक लिखा हो स्थित हो तो भी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अनैतिक संबंध बनता है। शुक्र और चंद्रमा पर यदि राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी चारित्रिक रूप से व्यक्ति का पतन हो जाता है और विवाह के पश्चात भी इसके संबंध कायम रहते हैं। मंगल ग्रह जो कि आग है जो अग्नि उत्पन्न करता है, काम वासना उत्पन्न करता है। शुक्र जो कि स्त्री ग्रह है, जब मंगल का प्रभाव शुक्र ग्रह पर पड़ता है तो व्यक्ति अपनी भोग विलास के कारण ऐसी चीज़ों में पड़ जाता है। यदि कुंडली के अंदर मंगल शुक्र की युति हो रही हो और शुक्र या मंगल की युति नहीं हो कि आपस में एक दूसरे से दृष्टि संबंध भी हो तो भी व्यक्ति अनैतिक संबंध जीवन में बनाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह जो है शनि की राशि में स्थित हो, शनि ग्रह जो शुक्र की राशि में स्थित हो तो भी ऐसे जातक जातिका शारीरिक भूख अधिक होती है और अनैतिक संबंधों में पड़ जाते हैं। और शुक्र मंगल की युति जो कि मैं आपको बता रहा हूँ वो यदि वापस सातवें आठवें भाव में हो तो भी ऐसे व्यक्ति जीवन साथी के अलावा बाहर शारीरिक संबंध बनाने में नहीं हिचकिचाते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये हैं ग्रहों से बनने वाले कुछ योग जो व्यक्ति को अनलीगल रिलेशनशिप में लेकर चले जाते हैं। लेकिन मेरी प्रश्न सलाह यही है, केवल इन्हीं योगों के आधार पर अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि प्रत्येक स्त्री पुरुष की कुंडली में इन ग्रहों के अलावा अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि अच्छा है यानी कि इस व्यक्ति की कुंडली में दी गुरु बृहस्पति अच्छी पोजीशन में यानी और कोई शुभ ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो इस प्रकार का यदि योग बन भी रहा है तो योग ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है और व्यक्ति गलत राह पर नहीं भटकता है। इसके अलावा डीप एनालिसिस करके ही कुंडली का इस प्रकार के निर्णय पर पहुंचना चाहिए क्योंकि ये किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ के जीवन का आधार है और नवांश कुंडली का अध्ययन करके ही आप किसी व्यक्ति के इस चीज़ों के बारे में आप डिसीजन में पहुंचे। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन साथी वाकई में किसी के साथ अनलीगल रिलेशनशिप बंधा हुआ है, उससे आप बाहर लाना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे ये उपाय करने चाहिए। आपको क्या करना है, प्रतिदिन शिव पार्वती का पूजन करना है और माँ पार्वती की मांग में सिंदूर भरें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं और यदि आपका पति गलत मार्ग में चला गया है तो उसे सही मार्ग में लाने के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा और बजरंगबाण का पाठ करके भी अपने पति को सही रास्ते पर ला सकती हैं। इसके अलावा पीपल के वृक्ष के अंदर और केले के पौधे पर हल्दी डालकर जल चढ़ाने से भी आपको इस चीज़ में लाभ मिलेगा। और ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति मैंने जो बताया है जो कि एक शुभ ग्रह है जो हर ग्रहों के अंदर 9 ग्रहों में किसी भी प्रकार की कोई अशुभ ग्रह स्थिति हो उसे दूर करने में सक्षम होते हैं। इसके लिए आप अपने पूजन कक्ष के अंतर्गत सिद्ध अभिमंत्रित देव गुरु बृहस्पति यंत्र स्थापित करें और प्रतिदिन इस यंत्र के दर्शन करें क्योंकि जिस घर में ये यंत्र होता है वहाँ लोग गलत रास्ते पर भटकते ही नहीं है क्योंकि 9 ग्रहों में देव गुरु बृहस्पति ज्ञान और अध्यात्म का घर से भी सीधा संबंध है। इसके अलावा यदि आपको लगता है आपका जीवन साथी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो शनिवार की रात्रि को चुपचाप जब वह सो रहा हो या सो रही हो तो उसके ऊपर से एक जटा वाला नारियल, 5 कोयले, एक लोहे की कील, साबुत उड़द की दाल, ये सब चीज़ें एक लाल कपड़े में पोटली बनाकर अपने जीवन साथी के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी बहते पानी में बहाते हैं। यदि बहता पानी नहीं मिल पा रहा है आपको तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाए। यह प्रयोग आपको लगातार 3 शनिवार करना है। ऐसा करने से आपका जीवन साथी, चाहे वो आपकी पत्नी हो या पति हो, सही मार्ग पर चले आएंगे। ये सारे उपाय आपको यकीनन सही जगह पे आपके जीवन साथी को लेके आ सकते हैं, बशर्ते आप सच्चे दिल और श्रद्धा के साथ इन उपायों को करते रहें और यकीनन आपका दाम्पत्य जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। इसके अलावा कुंडली में अन्य दोष है जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ में खटास आ गई है या मैरिड लाइफ के अंदर तनाव है,
अन्य प्रकार के लड़े झगड़े होते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करके आप अपनी कुंडली के अनुसार सटीक उपाय जान सकते हैं और अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को जी सकते हैं। धन्यवाद।